शुरू होने से पहले तुमको उठना है, नमाज पढ़ना है, अपने रिस्क को ढूंढने निकलना है। जिस कौम से कहा गया जो फजर के वक्त रहमत के फरिश्ते रिस्क के फरिश्ते तुम्हारे दरवाजे में आते हैं, उस वक्त हम दरवाजा हाथ बन करके सोए रहते हो और फिर हम बोलते हैं कि हम कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, हमारे रिस्क में बरकत नहीं हो पा रहा है, जिम्मेदार तो खुद है। और फिर बोलते हैं खान का जावेद खान काम का रखना गंदगी है। 11:30 बजे दिन में जब सरकारी मुलाजिम काम करके चले जाता है, मुसलमानों का नींद टूटता है, उसके बाद आप दाल पूरी और जलेबी खरीदते हैं, निहारी पूरी खरीदते हैं और अपने घर में खाते तो है, गोंगा और भाड़ को अपने गली में पत्ता बरसा के मैला करते गंदा करते हैं। और फिर चूंकि आप तो वो शरीफ है, आप एक ऐसे जिसको बोलते हैं कि शोरपा है कि आपकी जिम्मेदारी तो बनती नहीं है, तो किसी न किसी के कांधे पे तो वो जिम्मेदारी वो डालना होगा। तो भाई भैंस खान जावेद खान काम में, अरे पिकनिक गार्डन का भी इलाका है, वो भी रहते हैं, गोपाल रहता है, वहां के लोगों को तो नहीं बोलना पड़ता है, वहां के लोग तो नहीं बोलते कि काम नहीं होता है, यहाँ के लोगों को बहाना इसलिए बनाना पड़ता है क्योंकि जब आप मैं आता हूँ मुझे बोलते देखिए ना भैया इतना गंदगी है, तो हम बोले भाई हमको यहाँ रहते नहीं है, गंदगी किसने बताया, बोले हमको नहीं मालूम। तो मेरा जवाब ये रहता है, हो सकता है भाई अपनी नाक होगा या मेरे ही घर का कोई आगे आकर फेंक देता होगा, क्योंकि अगर हम अपनी सच्ची आदमी को बोलेंगे कि देखिए आपके खिड़की में नीचे पड़ा है तो अल्लाह ने कसम देखा हमने फेंका, कोई बोलेगा, कोई नौजवान बोलेगा भाई मां कसम खा रहे हमने फेंका, और उससे भी खुद खतरनाक अल्लाह नहीं करे कि कोई ऐसी जिसको बोलते हैं कि गैर महरम औरतों से सामना पड़ जाता है जो अपने आपे से बाहर हो जाती है, वो तो सीधा बोलती है जनाजे पर उतर जाती है, तो फिर मैं ही डर जाता हूँ, तो बोले भैया क्या कर औरत का मुंह से अच्छा गलती होगी आपसे पूछ करके, हाँ मेरी गलती है कि मैं ऐसे कौन ऐसी कौम ने मुझे रहमत बनाया है जो कौम को खुद अपनी जिंदगी को जीने का शऊर नहीं है, तो चलो गालियां ही खा लो कौम इसी से खुश। तो अगर आप चाहते हैं कि अपने मुआशरे को बेहतर बनाए, आप चाहते कि दूसरे आपको गालियां नहीं दे, आप चाहते कि दूसरे आपको लीडर के नजर से देखे, आप चाहते हैं कि आप दूसरों के लिए जिसको बोलते हैं कि एक रहमत का आप फजीलत का एक जिसको बोलते हैं कि आप एक मिसाल बने, तो आप उस रब्बुल आलमीन के रास्ते पे चलिए, अपने नबी के रास्ते पे चलिए, अपनी सहाबा की सीरत को अपनी जिंदगी में अपनाइए और दुनिया के खुदा के सामने झुकने के बजाय उस आसमान के खुदा के सामने झुकिए जो तमाम कायनात का मालिक है, आसमानों का मालिक है, जमीन का मालिक है और इसके दरमियान तमाम वो चीज है सब उसी की मिल्कियत है, उससे मांगिए। जिसने आपको लॉकडाउन के साथ वक्त खिलाया, जिसने आपको आपके तमाम मजबूरी के आपके परेशानियों के बाद भी आपको आज भी जिंदा रखा, आपको अशरफुल मखलूकात बनाया गया, तमाम बड़े बड़े मलाइकों ने आपके सामने सजदा किया। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू जेकेवी कोलकाता न्यूज। थैंक यू।